नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा। प्रसिद्ध कथा व्यास धर्मवीर समुद्र जी महाराज की श्रीमुख से कर्म पैलेस में शुभ मुहूर्त पर हुई। 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होने के बाद आज उसका भावपूर्ण समापन हो गया, जिसके आयोजक प्रवीण सैनी रहे। ओम श्री शक्ति माँ वैष्णो संकीर्तन ट्रस्ट द्वारा 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विधि विधान के साथ समापन हो गया। यह श्रीमद् भागवत पाठ अलमासपुर में प्रवीण सैनी द्वारा आयोजित किया गया था। श्रीमद् भागवत कथा में महाराज धर्मवीर समुद्र के द्वारा 7 दिनों से बड़ी हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। गुरु जी को आप कितने वर्षों से जानते हो? करीब 20 वर्षों से। अच्छा, गुरु जी की कथा जब लोग बाग सुनने आते हैं, मैंने सुना है भीड़ अपने आप ही आते आने लगती है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी भीड़ होगी। अच्छा, अच्छा गाते हैं गुरु जी। तो समाज को अपने से जो आपने कथा करे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है कथा से दूर होती जा रही है। ठीक है, ये चाहूँगा सभी संस्कृति हमारी जो दूर होती जा रही है कथा के द्वारा जी, सभी को संदेश जाए कि सभी एक दूसरे से जुड़े जी। और भारतीय संस्कृति के को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? संस्कृति बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अपना ये कथा कराई है, कोई और भाई मेरा कथा कराए तो मैं उसको समझूंगा कि मेरे भी ये भागवत 27 तारीख से शुरू हुई रथ यात्रा के साथ और आज समापन इसका हुआ है, आज भंडारा है। ये 7 दिन तक कथा चली। 7 दिन की कथा में अनेक लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की बताई गई, उनका जो पूरा व्याख्यान किया गया कि इंसान को भागवत सुनने से और समझने से इंसान के मुक्ति का द्वार श्रीमद् भागवत से मिलता है। और इनके जिनके पितर नाराज होते हैं श्रीमद् भागवत कराने से उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, जो कथा सुनते हैं और कथा कराते हैं। कार्यक्रम के आयोजक कौन थे? कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण सैनी जी, जिन्होंने ये बैंक्वेट हॉल अपना कर्म पैलेस के नाम से चालू किया है, आज इसका उद्घाटन है। इससे पहले कथा कराई है इन्होंने। तो आयोजक परिषद जो भी है वो प्रवीण सैनी जी, उनकी पत्नी है साथ में, इनसे पूछने का पानी देना अंदर जी। और इसके साथ साथ पूरा समाज, सर्व समाज ने सहयोग करा है। सभी सर्व समाज मिलकर के इस कथा में चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और भंडारे में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो कलश यात्रा में भी बड़ी कृपा हुई, खाटू श्याम का दर्शन सबको हुआ और कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, प्रभु की बड़ी लीला रही। और प्रवीण सैनी जी परिषद बने, इन्होंने पूरा समय पूजा में दिया और बधाई के पात्र हैं प्रवीण। शहर में प्रसिद्ध और भी कथावाचक हैं, लेकिन लोग बाग आपकी कथा सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो मैं कथा कर रहा हूँ ये प्रभु की इच्छा से हो रही है, क्योंकि मेरा 108 कथा का संकल्प है और मैं ये कथा निःशुल्क करता हूँ। जो भी पैसा पब्लिक के आता है उसी से ही मैं इंस्ट्रूमेंट साउंड वगैरह वगैरह सबका देता हूँ, लेकिन जब मैं कथा करता हूँ तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और सभी भक्तजन वहाँ आकर के भगवान की जब कथा सुनते हैं तो उन्हें सभी को भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का दर्शन होता है। अच्छा, कुछ महामंडलेश्वर ऐसे भी हैं जो जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ तो